चक्रूलाल, क्या हो गया तेरे को? फिर से चक्कर आ रहे हैं क्या? नहीं, वो माइक की आवाज से ना सर फट रहा है। ओए नहीं नहीं वो क्या हुआ होगा ना, कल से इतने सारे कांड किए अपन ने, फिर तेरे को रिलैक्स करने का टाइम भी नहीं मिला, वो इसलिए शायद थोड़े बहुत चक्कर आ गए होंगे। पर तू चिंता मत कर, और राउंड में ना ये माइक की आवाज नहीं आएगी, राउंड में तो सिर्फ भेप बजर की आवाज आएगी। खेल कर तू, वो देख मेरा नाम है पीछे, तेरा भी नाम है, आजा तशरीफ रखते हैं, हैं? Look at this meme. जस्सी ने जो कहा वो सच हो गया। राह में चलते चलते जस्सी के बाबा जी ने एक दरवाजा बंद कर दिया तो एक खिड़की खोल दी। राह तो दिखा दिया है पर इसे नहीं हमें। पर उसे ऐसे चक्कर क्यों आ रहे थे? छोड़ना, तू कह। अटेंशन एवरीबॉडी, आप सबको पढ़ाई करने के लिए 3 घंटे दिए गए थे, वो बहुत काम आए। और बजर राउंड के लिए आप सबको एक टीम दी गई, लेकिन वो आपके काम बिल्कुल नहीं आई। साइलेंस एवरीबॉडी, मुझे प्रेडिक्टेबिलिटी से नफरत है, इसीलिए दोस्ती टीम, सेम जगह और सेम कंफर्ट, आई जस्ट हेट इट। ये सारी चीजें इंसान को कमजोर बनाती है, करेक्ट? आई नो ये ग्रुप राउंड, और आप में से कुछ अपने दोस्तों के पीछे छुप के जीतने का मूड बना रहे हैं। लेकिन जो भी मुझे जानते हैं उन्हें ये पता ही होगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, यानी सेम स्कूल के स्टूडेंट्स एक साथ एक ही टीम में नहीं होंगे। अगर किसी को भी इससे प्रॉब्लम है तो वो अपना नाम SOTY से विड्रॉ कर सकता है। तो शुरू करें नई टीम बनाए। मैडम जी, वो जी मेरे को पूछना था कि टीम्स क्या पूरी तरह से नई बनेंगी, मतलब ब्रांड न्यू? तकलीफ तो मेरे को कभी होती नहीं जी, चाहे आप मेरे को चक्कर गिन्नी की तरह घुमा दो। बट मैम, बट ये इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है तो इसमें ग्रुप्स कैसे मिक्स कर सकते हैं? डोंट टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यहाँ मैं डिसीजन लेती हूँ, तुम नहीं। यहाँ एक ट्रॉफी, जिसका मतलब ये है कि रैंकिंग भी इंडिविजुअल होगी। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन से टीम में हैं? Just concentrate on your performance and leave the rest to me. Correct? All right. So here are the new team. Team A. Ankita, Abid, Reshma, Akash, or Pinky. Team B, Aditya.
जसविंदर, जॉन्टी, ग्रीवा, वैभव और श्वेता। जस्सी, तेरे को और मेरे को तो अलग कर दिया। कोई बात नहीं, जॉन्टी भी अपना ही आ रहा है। कोई नहीं, जॉन्टी को इस पढ़ाकू के साथ कर दिया। I'll make sure that they lose. और अब the final team, team E. रिया, राहुल, विकी, सैम और रश्मि। So, here are your final teams. Any questions? वैसे भी ना मुझे सवाल पसंद है और ना ही सवाल पूछने वाला। Now let's move on. राउंड शुरू होने वाला है। नो डिले। 3, 2, 1। रेडी एवरीवन? यस मैम। करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे और गलत आंसर के लिए -5। तो प्लीज सोच समझ के आंसर कीजिएगा एंड नो गेस। तो ये बजर राउंड का पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो है, दिल्ली सरकार की पार्टी का सिंबल क्या है? झाड़ू। करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो है, युधिष्ठिर ने अपने जीवन काल में एक झूठ बोला था, वो क्या था? अश्वत्थामा मर गया, नर ने किंजल। और अब तीसरा सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो है, गुरुद्वारे का नाम? गुरुद्वारा बंगा साहिब। You're right, once again. अब चौथा सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो है, मंगल पांडे ने किस जगह ब्रिटिश ऑफिसर पे गोली चलाई?
1967 की वॉर, मंगल पांडे बारकपुर में गोलियां चलाई थी। मेरा बजर काम क्यों नहीं कर रहा? रिया, जब तुम कोई जवाब नहीं दे पाओगी तो इस राउंड से अपने आप बाहर हो जाओगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.